मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट द वर्ब्स. रीड द सेंटेंसेस. द वाइंड ब्लोज, हवा चलती है. द ट्री गिव्स अस फ्रूट्स, पेड़ हमें फल देते हैं. गिव्स, ब्लोज मीन्स चलना, गिव्स माने देना. इन दीज सेंटेंसेस ब्लोज एंड गिव्स टेल्स अस व्हाट द वाइंड एंड द ट्री डू. ये जो वर्ड्स हैं ब्लोज एंड गिव्स, ये जो दोनों सेंटेंस में वर्ड्स हैं, दीज टेल्स अस अबाउट कि ये जो वाइंड है वो क्या करती है, जो ट्री है वो क्या करते हैं. तो उनके एक्शन के बारे में बताया गया है. व्हाट द वाइंड एंड ट्री डू, उनके वर्क के बारे में बताया गया है. अ वर्ड, ऐसा शब्द, दैट टेल्स अस, जो हमें बताता है. व्हाट अ पर्सन, एक व्यक्ति. एन एनिमल, एक जानवर. और अ थिंग, एक वस्तु. डज, वो हमें क्या बताता है कि एक व्यक्ति, एक जानवर और एक वस्तु क्या करते हैं, जो मतलब जो भी वो चीज़ करते हैं उनके बारे में बताता है. इस कॉल्ड वर्ब, ऐसा जो वर्ड होता है वो वर्ब कहलाता है. ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, जो कि हमें किसी के कार्य के बारे में बताता है. वर्ब्स आर आल्सो नोन एज डूइंग वर्ड्स. वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहा जाता है. थैंक यू.